हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। सर, स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है पैसा किसी भी एप्लीकेशन से नहीं निकाल पा रहे। वहाँ पर एक एरर आता है, 30 मिनट का एरर, या फिर सस्पेंशन फ्रॉड करके, लेकिन पैसा नहीं निकलता है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास इसका 100% का इलाज है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा स्पाइस मनी या पेनियर से, दोनों से निकाल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले कि स्पाइस मनी या पेनियर या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन में जब भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर पैसा जो है नहीं निकलता है, और वहाँ पर सस्पेंशन फ्रॉड बताता है या फिर उनका 30 मिनट का एरर बताता है, लेकिन पैसा नहीं निकलता है दोस्तों। यह एरर जो है काफी दिनों से काफी लोगों को आ रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक का भी नहीं निकल रहा था। लेकिन दोस्तों, मैंने भी एक बार जब ट्राई किया पेनियर बाय और स्पाइस मनी से, बाकी का तो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, बट पेनियर बाय से भी मैंने इस्तेमाल किया और स्पाइस मनी से भी इस्तेमाल किया, जहां पर दोनों से पैसा निकल चुका। अब कैसे निकला इसके बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। तो आप जब भी किसी भी कस्टमर का पैसा निकाल रहे होते हो दोस्तों, तो उनका आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं, यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से जैसे आप पैसा निकालते हैं, तो उनका एरर का जो है मैसेज आ जाता है, पैसा नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों, आप एटीएम के माध्यम से निकालते हैं, तो एटीएम से 100% जो है पैसा उनका निकल जाता है। एटीएम के थ्रू से आप पैसा ट्रांजेक्शन करिएगा, जितना आप निकालना चाहे उतना निकल जाता है, और पैसा जो है निकल के आपके वॉलेट पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, मैं जो है पेनियर बाई से एक बार निकाल के देखा, पेनियर बाई से भी मेरा जो है वर्क किया, और पेनियर बाई के एटीएम से भी मैं कार्ड के माध्यम से जो है पैसा निकाल लिया कस्टमर का। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पर स्पाइस मनी का जो है, स्पाइस मनी का जो एटीएम है, स्पाइस मनी का भी एटीएम मैंने इस्तेमाल किया, उससे भी पैसा निकाला, उससे भी पैसा निकल चुका मेरा, और दोनों एटीएम से निकल चुका है। बाकी का तो उधर एटीएम के बारे में मैं जानता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ये दोनों एटीएम मेरे पास था, मैंने निकाला और निकल गया दोनों से। और दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि ये एटीएम आपके शॉप पे ऐसे भी रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से नहीं, एटीएम के माध्यम से पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो एटीएम का इस्तेमाल आप उस जगह पे करेंगे अगर आपके पास रहेगा तो। और बाकी मैंने देखा है जहाँ पर 100% है जो स्पाइस मनी का एटीएम और पेनियर बाय का एटीएम, दोनों से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है बिना किसी परेशानी के। एक बार में आप आसानी से जो है दोनों दोनों एटीएम के माध्यम से, आप अगर स्पाइस मनी चला रहे तो स्पाइस मनी का एटीएम यूज करिए, वहां से भी पैसा निकल जाएगा, और पेनियर बाय चला रहे तो पेनियर बाय के एटीएम से भी निकालिए, दोनों से निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या एटीएम के माध्यम से निकाल रहे हैं तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और अगर आपको पेनियर बाय का एटीएम या स्पाइस मनी का एटीएम, दोनों में से कोई भी एटीएम आपको लेना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एटीएम आपको लो प्राइस में मिल जाएगा, सीओडी और प्रीपेड दोनों अवेलेबल है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफी मात्रा में लोगों को हम लोग, हमारी टीम हम लोग भेज रहे हैं, जिससे कि वो लोग काफी अच्छा जो है रिस्पॉन्स ले सके, और ये वर्क भी कर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा में निकालते समय। तो जो भी कस्टमर अगर आपके पास फिंगरप्रिंट के माध्यम से निकालने आता है, तो उनको बोलिए कि आप क्या, अगर पास एटीएम है तो एटीएम से निकाल लीजिए, पैसा निकल जाएगा। और काफी लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड भी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर बस यही छोटी सी जानकारी आपको देना चाह रहा था कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा स्पाइस मनी या पेनियर, ये दोनों से निकल रहा है, बाकी अदर एप्लीकेशन में यूज नहीं किया हूँ इसलिए नहीं बता सकता, बट इन दोनों से 100% ट्रांजेक्शन होगा और पैसा विड्रॉ हो जाएगा एटीएम के माध्यम से दोस्तों। तो आप भी ट्राई करिए, और नहीं आपके पास एटीएम तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं दोनों एटीएम, आप इसे हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी करके पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।